नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राजेश शर्मा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजेश गुरुजी। चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। और आज मैं इस आदेश को आपके सामने पेश कर रहा हूं। भोपाल दिनांक 4/1/2022 को ये निकला है दोस्तों। क्रमांक है समग्र शिक्षक अतिथि शिक्षक 2022 आदेश। एक शाला एक परिसर योजना के क्रियान्वयन के फलस्वरूप बड़ी संख्या में माध्यमिक विद्यालय एवं हाई स्कूल में जो पूर्व से पृथक पृथक संचालित थे अब एकीकृत रूप से संचालित हैं एवं इनमें कक्षा 8वीं से 10वीं की पठन पाठन गतिविधियां की जा रही हैं। उक्त एकीकृत व्यवस्था लागू होने से माध्यमिक और हाई स्कूल में पूर्व से पदस्थ शिक्षक अब एकीकृत विद्यालय के शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। अत्यव संसाधनों के युक्त उपयोग के दृष्टिगत एकीकृत विद्यालय में कार्यरत ऐसे समस्त शिक्षकों द्वारा कक्षा 6वीं से 10वीं तक की कक्षाओं का सामान्य रूप से अध्यापन कराया जाएगा। पूर्व में प्रावधान अनुसार माध्यमिक विद्यालयों में न्यूनतम 3 शिक्षक एवं हाई स्कूल में न्यूनतम 6 शिक्षक के स्थान पर अब ऐसे एकीकृत 6 से 10 शालाओं में न्यूनतम 6 शिक्षक ही उपलब्ध होंगे। समस्त एकीकृत शालाओं में जहां बख्याता उच्च माध्यमिक शिक्षक पदस्थ हैं उनके द्वारा कक्षा 6वीं से 12वीं तक की कक्षाओं के अध्यापन कार्य किया जाएगा। आशा यह है कि बख्याता बटे उच्च माध्यमिक शिक्षक द्वारा उनके विषय की 11वीं तथा 12वीं की कक्षाओं के अध्यापन के अतिरिक्त विद्यालय की शैक्षणिक आवश्यकता के अनुसार कक्षा 6वीं से 10वीं तक की कक्षाओं में भी अध्यापन कार्य किया जाएगा। उक्त 6वीं से 10वीं तक कक्षाओं के अध्यापन व्याख्याता बटे उच्च माध्यमिक शिक्षकों द्वारा उनके स्नातक के विषय के आधार पर कराया जाएगा। समस्त व्याख्याता बटे उच्च माध्यमिक शिक्षक बटे माध्यमिक शिक्षक द्वारा एक दिवस के सामान्यतः 6 पीरियड का अध्यापन कराया जाएगा और 3/3 समस्त एकीकृत विद्यालयों में उपरोक्त अनुसार अध्यापन व्यवस्था सुनिश्चित करने के पश्चात ही आवश्यक होने पर ये थोड़ा टॉपिक महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको फिर मैं रिप्लेसमेंट मारता हूं दोस्तों। समस्त एकीकृत विद्यालयों में उपरोक्त का अनुसार अध्यापन व्यवस्था सुनिश्चित करने के पश्चात ही आवश्यक होने पर अतिथि शिक्षकों की मांग को स्वीकृति दी जाएगी। उपरोक्त का अनुसार निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। आदेश के पालन न करने की स्थिति में संबंधित लोक सेवक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। अभय वर्मा आयुक्त हैं अपने लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल दिनांक 4/1/2022 विशेष सहायक माननीय राज्य मंत्री स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश भोपाल प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश भोपाल आयुक्त आदिम जाति कल्याण मध्य प्रदेश भोपाल समस्त संभागीय आयुक्त राजस्व मध्य प्रदेश समस्त कलेक्टर मध्य प्रदेश समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण मध्य प्रदेश समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश समस्त प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हाई स्कूल मध्य प्रदेश की ओर से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं जो एकीकृत शालाएं हुई पहले जो अलग अलग थी अब उनको पृथक पृथक थी अब एकीकृत कर दिया है। यानी जो कक्षा 8 तक स्कूल था और वो कक्षा 10 तक हो गया है तो उसी का टीचर 9th और 10th वालों के लिए भी पढ़ाएगा। या जो प्राथमिक का टीचर है वो स्कूल मिडिल स्कूल हो गया है मर्ज हो गए हैं एक ही हो गए हैं तो प्राथमिक का टीचर ही मिडिल के बच्चों के लिए पढ़ाएगा 6, 7, 8 वालों के लिए और दोस्तों 8 वाला टीचर 9, 10 के लिए पढ़ाएगा। इससे टीचरों की बचत होगी, सरकार बचाने में सरकार टीचरों एक टीचर को डबल काम करवा रही है दोस्तों। और इसके बाद में बचे खुचे पद जो बचेंगे उनमें अतिथि शिक्षक की व्यवस्था की स्वीकृति ये लोग देंगे दोस्तों। तो आप देखिएगा इस आदेश को और इसके बाद में एक और आदेश अभी जारी नहीं हुआ है लोक शिक्षण संचालनालय का, उसके बारे में तुरंत बताऊंगा दोस्तों। तो मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।